एंड स्टोरी कैसे है? स्टोरी अच्छा है, थोड़ा सिमिलर केजीएफ टाइप, केजीएफ टाइप है थोड़ा सिमिलर। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। प्रभास इस बार कुछ नए अवतार में एक्शन तो पहले भी किया, बिल्कुल बिल्कुल, अलग स्टोरी अलग एडवेंचरस चीज लेके आए, कैसे? मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से जो हम लोग मूवी देख रहे थे, और जैसा हमने क्रेज धवान और पठान का देखा था, सेम वही क्रेज जो है ना ये सलार का है, मतलब हिला के रख दिया है सलार ने, और वही एक्शन सीन्स डाला है। और इस तरीके से काफ़ी टाइम से हम लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि साउथ इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, निखिल धमाल मचा रखा है। ऑलमोस्ट 100% भाई। थैंक यू सो मच। यस, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट विल ब्लो योर माइंड। दिस लेवल ऑफ सिनेमा इज नॉट हैपेंड इन इंडिया टिल नाउ। हाँ, बहुत अच्छी लगी, अच्छी थी, अच्छा है। पार्ट टू का वेट कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, मतलब मैं गूज बम, मतलब जितना कम बोलूँ मतलब उतना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रभास की जो एंट्री, एक एक एक्शन सीन्स, मज़ा आ गया, लिटरली पैसा वसूल हो गया। आपका फेवरेट कौन सा सीन था? मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक मोमेंट में जब भी देख रहा हूँ कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं गूज बम से, मतलब गूज बम भी छोटा वर्ड है मेरे नज़र में, बहुत नेक्स्ट लेवल, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया, पैसा वसूल, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मज़ा आ गया। थैंक यू सर। मूवी इज़ ऑसम, मूवी इज़ ब्लॉकबस्टर, डार्लिंग प्रभास इज़ बैक, आई कैन टेल यू, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। व्हाट अ इमोशन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, फाइटिंग सिक्वेंस एवरीथिंग लाइक डीओपी, सुपर्ब ही डिड, एंड ऑल ओवर मूवीज ब्लॉकबस्टर, 2000 crore इज श्योर मूवीज, यू कांट लीव सिंगल मिनट फ्रॉम मूवी, यू कैन वॉच 100%, एंड डार्लिंग प्रभास इज बैक, आई कैन टेल यू। He's awesome director, I can tell you. I am very excited. I will go 1,000 times more actually for Prashant sir. He's superb. Emotion is awesome. I can tell you. I am very actually excited. I can tell you. Very emotion, very attached drama movies. This is actually, and this movie will be. Rock, I can tell you actually. You can't leave your seat single minute. And I can tell you, darling Prabhas is back. We love you, Prashant sir. Thank you. Yes. So the first of all, I will talk about Prashant Neel sir. The अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ही पुट्स इन स्टोरी टेलिंग, जो मास अमाउंट ऑफ बिल्ड करते हैं, जो सीक्वेंस बिल्ड करते हैं, उनके जैसा कोई बिल्ड नहीं कर सकता। कैरेक्टर बिल्डिंग और जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी कैरेक्टर बिल्डिंग करना और उस लेवल को हाइप लेके जाना, प्रशांत सर यू नेल्ड इट दिस टाइम। एक्शन इज ऑन नेक्स्ट लेवल। Now we are getting why this movie got an A star. It's just because of his action. Action is top notch. So, जैसे हम जानते हैं, first half देखते हैं, second half देखते हैं। Second half में वो crowd पकड़ के रखा। Second half तो first half से भी 10 गुना ऊपर था। जो climax sequence था और जिस point पे end किया है movie, अभी से part two के लिए hype बढ़ गई है मेरे लिए। Story किस तरीके का है? Story south के movies जितने भी होते हैं, story telling भी होता है। And as we know, Prashant sir is नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, उनकी स्टोरीज जेनविनली बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी से ये स्टोरी लिखी गई है। और कुछ न्यू देखने मिला है, किंगडम के ऊपर एक देखने मिला गया है, और पार्ट टू का जो एंड में जो सीक्वेंस था, जो सस्पेंस है वो मैं बताऊंगा नहीं, बट वो सीक्वेंस के लिए और वो सस्पेंस के लिए मैं वापस जाऊँगा। 5 out of 5। थैंक यू सो मच। मूवी ओवरऑल तो अच्छी है, लेकिन एक्शन डोज थोड़ा ज़्यादा है और वाइब है केजीएफ वाली, थोड़ा डार्क है, एक्शन ज़्यादा है, कहीं कहीं स्टोरी छोड़ती है फिर पकड़ लेती है। ओवरऑल मूवी मतलब गुड, एक्शन अच्छी है।
टोटल एक्शन है, अगर 3 घंटे की मूवी है तो उसमें 1.5 घंटे एक्शन ही है, और स्टोरी लाइन में प्रभास का कुछ काम नहीं है एक्टिंग में, स्टोरी में वो बस एक्शन ही कर रहे हैं मूवी में, इसलिए 2.5 स्टार। KGF की वाइफ आ रही है, सेम स्टोरी जा रही है KGF की तरह, इसलिए थोड़ा कम। हाँ, स्टोरी टेलिंग वो पीछे से बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं, उससे क्या लोगों को समझाते रहते हैं कि क्या चल रही है स्टोरी। अभी सेकंड पार्ट भी आने वाला है, अब देखेंगे उसमें क्या है। जिस जगह उसने छोड़ा है उसके हिसाब से तो बाहुबली का अभी याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कि बाहुबली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो वैसा ये भी इसमें भी है कुछ, बाहुबली की वाइब भी है थोड़ी बहुत। कैसी लगी मूवी आपको? जी मुझे बहुत पैसा वसूल लगी, जिस टाइप की मूवी देखने आया था मैं वैसी ही लगी, मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। और प्रशांत नील की हमेशा से खासियत रही है कि वो एक दुनिया बनाते हैं अपनी फिल्मों में, एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, उनका एक्शन जो रहता है ओवर द टॉप रहता है ऑब्वियसली, बस बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड रहता है, तो उसमें आप कोई भी वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और ड्रामा पे ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है कि ज़्यादा टाइम इसमें स्कीमिंग और स्टोरी प्लॉटिंग में दिया गया राधा देन की बिना सर पैर का वायलेंस हो, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि फॉर अ चेंज बहुत अच्छा ड्रामा। एनिमल में भी हम लोग को देखने को मिला था कि ज़्यादा ड्रामा था, उसके बीच में वायलेंस थी, वायलेंस से ड्रामा नहीं थी। तो प्रभास की एक्टिंग, हाँ जी 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 जी, बाहुबली के बाद उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट फिल्म भी है। अभी तो एक बार देखा हूँ, आई थिंक 4, 3.5 और 4। कमी जस्ट इन द सेंस कि थोड़ा जो कमी नहीं बोलूँगा मैं जैसे पहले बोला कि अभी पहली बार देखा, हो सकता है सेकेंड वीक में और अच्छी लगी, कुछ मिस हो गया। तो 4 भी इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था वही मिला, कुछ मुझे उससे वो मिल जाता तो 5 out of 5 थी, बट 4 इज़ गुड। अगर दोबारा देखूँगा तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा रेटिंग बढ़ेगी। थैंक यू। प्रभास ने मतलब बहुत ग्रैंड कमबैक किया है। प्रभास मतलब ऐसे रोल में मतलब अच्छे सूट होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उसी के लिए रोल बना गया था, टेलर मेड रोल था प्रभास के लिए। और बाहुबली के बाद बहुत अच्छे से कमबैक किया है प्रभास ने, जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं वॉयलेंस 10 times बढ़ जाता है, जो देखने में बहुत मज़ा आता है। एक एक सीन को मतलब अच्छे से शूट किया गया है, और प्रशांत नील का जो विज़न है वो विज़न दिखता है पर्दे पे, क्या जो उनका विज़न है। और Part 1 में मतलब इतना कुछ बताया नहीं गया है, पूरा सेटअप किया गया है Part 2 के लिए। Part 1 में मतलब स्टोरी को खाली बिल्ड किया गया है, मतलब दोनों का जो बॉन्ड है पृथ्वीराज सुकुमार जी और इसका दिखाया गया है प्रभास जी का, और माँ और बेटे का जो एंगल है वो भी अच्छे से दिखाया गया है। और मूवी में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो तुमको मतलब ध्यान रखना रहता है मूवी में, मतलब तुम मूवी से जरा भी इधर उधर हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, इसलिए पिक्चर आपको बांधे रखती है। बाकी मूवी थोड़ी डार्क हो गई, थोड़ा हल्का सा और ब्राइट होनी चाहिए थी, खाली वही एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा बस। हाँ, एक्टिंग थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है डेडिकेशन उनका था, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाहुबली में जो उन्हें डेडिकेशन दिया था वैसे उसमें सलार में भी उन्हें डेडिकेशन दिया है। आदि पुरुष में ऐसा वो डेडिकेशन दिख नहीं रहा था, इसमें ऐसा लग रहा है उन्हें अपना 100% नहीं 200% दिया है, तो मतलब अच्छा दिखता है पर्दे पे, उनकी मेहनत दिखती है क्या उन्हें मेहनत किया है। हाँ, स्टोरी मतलब अच्छे से दिखाया गया है, अच्छा बिल्डअप किया है, मतलब उनको जैसा KGF की एक दुनिया है अलग, वैसी सलार की भी एक दुनिया, नई दुनिया स्टार्ट की है उनने, जैसा Part 1 में मतलब सेटअप किया गया था KGF में जैसा, तो Part 2 को फ़ायदा हुआ था, वैसा सलार में भी Part 1 में सेटअप किया गया जो Part 2 में मतलब बहुत बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा, इससे 10 times बेटर होगा Part 2। 4.5। अमेजिंग, कमाल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि प्रभास इज बैक,
Yes. बिल्कुल प्रशांत सर का अभी जैसे स्टोरी स्क्रीन प्ले एडिटिंग बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड उनकी फिल्म का कमाल ही होता है, हाई होता है हमेशा। और जो उन्होंने ये था कि KGF जो हम लोग देख चुके थे, तो KGF के बाद अगर वो कुछ बनाने जा रहे हैं तो कुछ बड़ा होना चाहिए, तो वाकई में सब है, मतलब खान सर एक कमाल है। और बिग कमबैक बिल्कुल, ये जो निराशा जो हुई थी बीच में दो तीन फिल्मों से, बिल्कुल सब धो दिया उन्होंने। वो इस फिल्म में डायलॉग में फोड़ डाला उन्होंने, यही मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे हैं वो, एक्चुअली उनको ज़्यादा डायलॉग्स दिए नहीं है, कम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उसी पे तालियां बज रही है। फाइव में से फाइव है क्योंकि बोर बिल्कुल नहीं हुआ हूँ मैं जी। आई होप सो। How you like the movie? और इसमें जैसे हमने देखा है बाहुबली के बाद प्रभास ने बिग कमबैक हुआ है, कैसे लग रहा है उनका एक्टिंग, एक्शन, ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से प्रशांत सर ने किया है क्या कहना है? जो स्टोरी टेलिंग प्रशांत नील की हमेशा रहता है, वर्ल्ड बिल्डिंग दैट वाज दी बेस्ट। प्रशांत नील का जो स्टोरी बिल्डिंग रहता ना, दैट प्लॉट्स लाइक ही गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी सिंगल कैरेक्टर, वो ये मूवी में भी दिखाया जा रहा है। लाइक फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक एवरी कैरेक्टर हैज पुट एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मूवी। प्रभास इज इन अ फैंटास्टिक जॉब। जो प्रभास का जो एक्शन एंड उसका जो वो ऐसा दिखता है ना कि पहले के मूवीज़ में एकदम ऐसा स्वीट चॉकलेटी हुआ और उसके बाद वो एकदम विलन, वो ये मूवी में आपको देखने मिल जाएगा। यू विल गेट हिट नॉस्टैल्जिया बाय सीइंग पहले का मूवीज। तो जैसे बात करें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का, तो जैसे सेकंड हाफ में क्राउड को उस तरीके से पकड़ रखा था। आई विल टेल यू फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक पकड़ के रखा था। सो हाउ यू रेट दिस मूवी आउट ऑफ 5? 4 एंड व्हाई हाफ मार्क्स? आई विल टेल हाफ मार्क्स बिकॉज उनने ना बहुत सारे ना एक एक प्लॉट डाले, और हाफ मार्क में इसलिए काटा क्योंकि फर्स्ट में जब भी सीन था ना, जब भी फर्स्ट सीन नहीं जब भी टाइटल था ना, तभी लिखा था इंट्रोडक्शन सॉरी स्पेशल थैंक्स फॉर रॉकिंग यश, हम लोग उसके लिए एंड क्रेडिट्स तक भेजे कि यश आएगा और आया ही नहीं है, तो मैं मेरे को वही क्वेश्चन है कि वो लिखा क्यों है फिर अगर है ही नहीं तो। नो ना, आई एम नॉट डिमांडिंग, अगर नहीं है ना इट्स टोटली नहीं रहते तो हमको कोई फर्क नहीं क्योंकि प्रभास ने वो किल्ड किया, बस वो क्वेश्चन है कि अगर आपने नाम लिखा है तो क्यों लिखा है, उसके आंसर्स दे देते हमको। थैंक यू सो मच।